नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जीआरपी पुलिस ने एक महीने पहले हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। महमना एक्सप्रेस वे सफर के दौरान महिला का जेवरात वाला पर्स चोरी हो गया। पुलिस ने पर्स चुराने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली जिला छतरपुर निवासी प्रियंका पांडे 27 जनवरी 2024 को महमना एक्सप्रेस से अपने परिवार के साथ छतरपुर से भोपाल की यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान अज्ञात बदमाश ने बर्थ के ऊपर बनी खूंटी पर से लेडीज पर्स चोरी कर लिया था। पर्स में सोने चांदी के जेवरात समेत 1,01,000 रुपए का सामान रखा था। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया था। जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रोहित सेन को गिरफ्तार कर चोरी का मशरूका बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व से ही चोरी व लूट के करीब आधा दर्जन अपराध जीआरपी भोपाल में दर्ज है। आरोपी से पूछताछ जारी है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सर, चोरों को गिरफ्तार किया गया है? चोर को गिरफ्तार किया। बेसिकली एक घटना घटी थी जनवरी 27 को, जिसमें एक महिला है प्रियंका करके, वो छतरपुर से भोपाल की यात्रा कर रही थी महामाना एक्सप्रेस से। D3 कोच में उसका रिजर्वेशन था। जब वो भोपाल स्टेशन उतरी तो पता चला कि उसका लेडीज़ पर्स चोरी हो गया। लेडीज़ पर्स में उसके आभूषण थे, जिसमें मंगलसूत्र था सोने का, एक सोने की चेन थी, अंगूठी थी, झुमके थे और भी दो चार चीज़ें थी। इसके बाद जो है मामले में विवेचना चल रही थी कि कल हमको एक सूचना प्राप्त हुई कि जो रोहित करके एक लड़का है, ये रहने वाला छोला क्षेत्र का है, 20 साल का ये लड़का है, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर देखा गया। रोहित का जो है रिकॉर्ड है अपने जीआरपी थाने में, 7-8 मामले पहले से रजिस्टर्ड है इसी लूट की और चोरी के। तो रोहित को जब पकड़ा गया स्टेशन से घेराबंदी करके और उससे पूछताछ की, तो 3 मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें से एक मामला ये भी था जो एक महीने पहले घटना घटी थी। रोहित ने बेसिकली जो चोरी की थी उसका माल वो ठिकाने नहीं लगा पाया था, क्योंकि रोहित को जनरली जहाँ बेचने गया था तो ज्वेलर्स जानते थे, तो उन्होंने माल खरीदा नहीं। तो पूछताछ में उसने खुलासा किया कि सारा का सामान उसके पास सभी सुरक्षित है। जाकर उसके घर से वो सामान बरामद किया है, करीब 1 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान था, जिसमें सोने की झुमकी, एक तोला चेन, मंगलसूत्र, पायल वगैरह थे। वो सारा का सारा सामान जो है 1 लाख रुपये से ज़्यादा का बरामद हुआ है। पूछताछ में 2 घटनाओं को और खुलासा किया, जिसमें एक मोबाइल चोरी था, पुराना मामला था, मोबाइल उससे बरामद हुआ है। और तीसरे मामले में एक मोबाइल चोरी में वो साथी था, तो उसके साथी ने उसका नंबर था, तो तीसरे मामले में उसको गिरफ्तार किया। सर, घटना को कैसे क्या अंजाम दिया करता था ये जनरली क्या होता है, जब ट्रेनें स्टेशन पर आती हैं तो आउटर पर खड़ी हो जाती हैं, अगर स्टेशन पर जगह नहीं होती। अब आउटर में समय ऐसा होता है कि या तो यात्री सोया होता है, बेसुध रहता है, कि व्यस्त रहता है, या बाथरूम चला जाता है, तो उस वक्त ये धीरे से उसका सामान चुरा लेते हैं। तो ये घटनाएं आउटर में, चूँकि आउटर इस क्षेत्र हमारा छोला क्षेत्र पड़ता है, छोला वाला क्षेत्र। सर, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा इन आउटर घटनाओं को रोकने के लिए एक तो कैमरे लगाए गए, दूसरे आउटर में पॉइंट रहते हैं, जीआरपी भी पॉइंट रहते हैं, आरपीएफ के भी पॉइंट रहते हैं, तो वो लगातार लगाए जाते हैं। वहाँ पर विसल गार्ड रहता है जो हमेशा जब ट्रेनें रुकती हैं तो गार्ड करते हैं ट्रेन को। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।